साथियों, प्रोलैप्स को रोकने के लिए आप न जाने कितनी तरह की दवाई दे देते हैं, फिर भी प्रोलैप्स आ जाता है, फिर अंदर कर देते हैं, फिर बाहर आ जाता है। न जाने कितने कितने इंजेक्शन लगा देते हैं लेकिन फिर भी बंद नहीं होता है। आप गलती कहाँ कर देते हैं, आप जब उसको अंदर कर देते हैं फिर बाहर कैसे आ जाता है वो? अब आपको हम एक ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आप जब प्रोलैप्स को अंदर धकेलेंगे वहीं पर कुछ ऐसी दवा लगा दे कि हमेशा हमेशा के लिए वह बंद हो जाए, फिर कभी बाहर ही ना आएगा। ये एकदम यूनिक तरीका, एकदम नया फार्मूला और एकदम देसी। आपका ना तो ज़्यादा खर्चा होगा और ना कुछ बिगड़ेगा और एकदम परफेक्ट तरीका है। तो आइए उस तरीके को जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बने सिंह हाड़ा और आप देख रहे हैं हाड़ा वेट्स क्लब। पशुपालन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हम आपको हमारे चैनल पर देते हैं और देते रहेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो लगाएंगे, जो भी यूनिक टैलेंट हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे, वह सबसे पहले आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो साथियों, ये फूल पाचा की समस्या बहुत ही खतरनाक होती है। न जाने कितने कितने पैसों की लोग दवाइयाँ बिगाड़ देते हैं, कितने कितने ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर भी प्रोलैप्स आना बंद नहीं होता है। कैल्शियम चढ़ा दिया, मिनरल मिक्सर दे दिया, स्पास्टिक बोलस दे दी, फिर भी बंद नहीं होता है। तो आज आपको जहाँ पर अगर प्रोलैप्स निकला है वहाँ पर आप बस दो काम कर लेना। दो काम करने के बाद गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, प्रोलैप्स हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना बंद कर देगा। आपको क्या करना है, जब भी प्रोलैप्स निकल जाए या तो यूट्रस निकले या वेजाइना निकले, यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस या प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, दोनों में से कोई सा भी प्रोलैप्स बाहर आए, आपको काम सिर्फ एक ही करना है। हमने आपको बताया था कि आपको डाइक्रिस्टिसिन के घोल से प्रोलैप्स को धोना है। तो आप धोए, किसी से भी धोए, चाहे पोपेन स्प्रे से धोए, डाइक्रिस्टिसिन से धोए, पहले उसको अच्छी तरीके से धो ले। अब आती है यहाँ पर बारी जो प्रोलैप्स को कभी नहीं निकलने देगा। क्या करना आपको, चाहे कोई सा भी प्रोलैप्स हो, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, चाहे कोई सा भी प्रोलैप्स हो, चार बोलस नोवाल्जिन की लेनी है आपको, चार बोलस आपको नोवाल्जिन की लेनी है। प्रोलैप्स कितना भी बड़ा बाहर निकला हो, केवल चार बोलस आपको नोवाल्जिन की लेनी, चार। इसके अलावा आपको क्या लेना है, आधा किलो आपको मक्खन लेना है। मक्खन देखा ही होगा, सभी के घर में मक्खन बनता है। अगर आपके घर में मक्खन उपलब्ध ना हो, पशु मालिक से बोल दे, अगर पशु मालिक के घर पे ना हो तो कहीं दुकान से उसको खरीद ले। और ख़रीदने के बाद नोवाल्जिन की चार बोलस पीस के उस मक्खन में अच्छे से मिला दे और मक्खन को भी मिला दे। अब जब आपने उस प्रोलैप्स को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है, पूरी तरीके से धो दिया है, कहीं पर भी कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर टांके लेने की भी ज़रूरत नहीं। सब कुछ जोड़ देगा, फट गया तो भी जोड़ देगा, कुछ भी हुआ तो भी जोड़ देगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ मक्खन और नोवाल्जिन की बोलस को पीस के एक साथ मिलाकर उस प्रोलैप्स के ऊपर अच्छे से लेप कर दे, पूरे के ऊपर अच्छे से जमा दे, एक लेयर बना दे उसकी, और फिर अंदर धकेल दे। आप जैसे जैसे लेयर जमाएंगे प्रोलैप्स छोटा होता जाएगा और प्रोलैप्स फिर कभी दोबारा बाहर नहीं। ये एकदम देसी फार्मूला और आजमाया हुआ फार्मूला है। साथियों, आप भी आजमा के जरूर देखें और अपनी फील्ड में अपने रिजल्ट बढ़ाएं, अपने तरीकों से, अपने टैलेंट से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। कम खर्च में, कम दवाइयों में ऐसे ऐसे काम करें कि आपका नाम बड़ा होता जाए और फील्ड में केवल आप ही का नाम चले। तो साथियों, एकदम यूनिक तरीका है, आप इस तरीकों को जरूर आजमाएं और फील्ड में अपने रिजल्ट जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।